एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में डीएम के द्वारा किए गए कार्रवाई के खिलाफ राजस्व कर्मचारी सड़क पर उतर गए। बता दें कि कल डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने दुर्व्यवहार के शिकायत पर मैरवा के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया था, जिसको लेकर राजस्व कर्मचारी का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्व कर्मचारी ने शहर के गोपालगंज मोड़ से जेपी चौक तक मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जांच बिना किए राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड करना उचित नहीं है। बता दें कि डीएम मुकुल कुमार गुप्ता कल मैरवा प्रखंड के कार्यालय भवन में सभागार में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान अनेकों मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया। वहीं अंचल के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को गंभीर आरोप के कारण तत्काल प्रभाव से डीएम निलंबित कर दिया, जिसको लेकर राजस्व कर्मचारी आक्रोशित हो गए और विभिन्न प्रखंड से आए राजस्व कर्मचारी सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। राजस्व कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि डीएम को जब शिकायत मिली तो बिना जांच किए कर्मी को सस्पेंड करना उचित नहीं है। उनकी मांग है कि पहले मामले की जाँच की जाए, इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकारी को आवेदन देकर मांग की जाएगी। हम लोग इतना मेहनत कर कर बहुत मेहनत करते हैं। आधा सिटी में कम से कम हम लोग जिला को 10 कैंप ले आए। परिमार्जन हो सब कुछ में सिवान जिला 2023-24-25 के दाखिल खारिज में है। बहुत जिला 23-22-23 में जा रहा है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं भी आग लगा, कहीं भी कोई डूब के मरा, दिन रात हम लोग जाते हैं। बहुत प्रेशर आता है। हम लोग जब से सर्वे आया पब्लिक घेर लिया है, इतना प्रेशर होने के बाद भी जो कोई ही मिस्टेक नहीं होने के बाद भी तब पर भी बिना शोकाउच का बिना किसी का सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं हम लोग। जबकि हम लोग छोटे कर्मी हैं, हम लोग को सहारा देना चाहिए कोई अधिकारी को। अगर सस्पेंडर नहीं टूटते हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या चीज़? अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, हम छोटे कर्मी हम लोग दरवाजे खड़े कर सकते हैं न्यायालय में। नहीं, हम लोग अधिकारी पास जाएंगे, अधिकारी से विनित करेंगे, हम लोग का जान पता कर लीजिए। हम लोग बहुत पब्लिक को झेलते हैं, एकदम 100-150 पब्लिक को डेली हम लोग झेलते हैं। जो पब्लिक बिना काम के आते हैं। अपना नाम बता दीजिए। ना, हम आज कर्मचारी हैं जी। सर क्या कहेंगे विरोध मार्च निकाला गया है कर्मचारियों के? राजस्व कर्मचारी जो है उनको बिना जांच पड़ताल कहीं किसी पब्लिक के आवेदन पर या फिर उसका जांच पड़ताल कर ली जाए, केवल आवेदन पर सस्पेंड किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। डीएम साहब को पहले जांच कर लेनी चाहिए, जो भी वरीय पदाधिकारी उनको पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जैसे मुकेश कुमार हैं, मैरवा के मुकेश जी हैं, उनपे मतलब कि आरोप लगाया गया कि दुर्व्यवहार के कारण। दुर्व्यवहार क्या है इसको पहले खंडन किया जाए, अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद सस्पेंड किया जाए। कितने लोग सस्पेंड हुए हैं अभी तक? 3 लोग सस्पेंड कर दिए गए, पचुकी में, एक मैरवा में है और एक जीरादेई में है। तो अपना नाम बता दीजिए। चंदन वाणी। क्या कहेंगे हम लोग? विरोध मार्च निकाले हुए प्रदर्शन। मैरवा के कर्मचारी को बिना जांच पड़ताल को निलंबित कर दिया गया, इसी बारे में हम लोग कहेंगे कि बिना जांच पड़ताल करके उन्हें निलंबित किया जाए। विरोध मार्च निकाला? हाँ, विरोध मार्च हम लोग निकाले, पूरे कर्मचारी तक सीमांत के हम लोग आए हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए।